Good morning, class. Today I want to discuss about non-stoichiometric defects. कल हमने stoichiometric defects के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने vacancy and interstitial दो तरह के defects पढ़े थे. उसके बाद हमने Schottky and Frankel defect पढ़ा था, जिसमें हमने Schottky पढ़ा था कि वो vacancy defect में आता है, जबकि Frankel में दोनों तरह के defects आते हैं. Vacancy भी वहाँ create होती है और interstitial side पर जाकर जो आपका एनायन है या कैटायन है, जो भी साइज में छोटा है, वो बैठ जाता है, प्लेस कर लेता है अपने आप को. सो वहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स की स्टडी की थी. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. आज हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. नॉन स्टोशियोमेट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो एक पर्टिकुलर रेशो में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्रिस्टल को, वो किसी भी रेशो में डिस्टर्ब करेंगे. दैट इज व्हाई इट इज नॉन स्टोशियोमेट्रिक. द रेशो ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय देयर स्टोशियोमेट्रिक फॉर्मूला. डिफेक्ट विच डिस्टर्ब्स द स्टोशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक्सेस मेटल आयंस और एक्सेस नॉन मेटल आयंस. मतलब बेसिकली ये डिफेक्ट्स क्यों डेवलप हुए, क्योंकि किसी चीज़ की एक्सेस हो गई. या तो मेटल्स आयंस की एक्सेस हो गई या नॉन मेटल आयंस की एक्सेस हो गई. मतलब क्या हुआ कि या तो आपके कैटायंस एक्सेस में आ गए या आपके एनायंस एक्सेस में आ गए. ओवरऑल जो न्यूट्रैलिटी है क्रिस्टल की वो बनी रहती है. इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या कोई और पॉजिटिव पार्ट आ जाता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखते हैं, उसकी बनी रहती है. लेकिन बेसिकली वहाँ पर स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है. सपोज कीजिए किसी एक क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें 41 तरह के कैटायंस, 41 तरह के आयंस चाहिए और 80 दूसरे तरह के आयंस चाहिए. MgCl2 को ही ले लीजिए, मैग्नीशियम के 40 चाहिएंगे तो क्लोरीन के डबल चाहिए अमाउंट में. यहाँ पर सपोज कीजिए मैग्नीशियम के और आयंस मेटल की इंटरस्टिशियल साइट्स पर आकर बैठ जाए, तो मैग्नीशियम का क्या होगा? स्टोशियोमेट्री बिगड़ गई ना, 1:2 रेशो में चाहिए था ना, लेकिन अब हमारी स्टोशियोमेट्री चेंज हो गई है. तो दीज आर नोन एज नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. तो बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह के होते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब है कि जहाँ पर हमारा मेटल मतलब कैटायन बेसिकली आएगा बाहर से और इंटरस्टिशियल साइट्स पर बैठ जाएगा. मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमारा जो क्रिस्टल है उसमें से कैटायन का जो पार्ट है, मेटल का जो पार्ट है, वो उसको छोड़कर चला गया. दैट इज मेटल डेफिशिएंसी. सो लेट्स स्टार्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस उसके नाम से पता लग रहा है. द सॉलिड्स विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंटेन्स मेटल आयंस इन एक्सेस टू द स्टोशियोमेट्रिक रेशियो. सच डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू. किस वजह से होते हैं? बेसिकली तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि देखो, कोई भी क्रिस्टल जिसमें दो पार्ट्स हैं, किसी भी चीज़ की एक्सेस कब होती है? हम ये कहते हैं आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं. कैटायन कैटायंस क्यों होते हैं बेसिकली? क्योंकि उन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल कर जा चुके हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया है और आपके जो प्रोटोन्स हैं उनका नंबर बढ़ गया है. सेम केस विद एनायन. एनायन में क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर कम है, बाहर से किसी उस एलिमेंट ने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो गया है. तो सेम केस विद है, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. मेटल एक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो बाहर से मेटल अंदर आकर बैठ जाए, या फिर आपका जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें से जो एनायन है उसका वो बाहर चला जाए. तो दोनों केसेस में मेटल की एक्सेस हो जाएगी. सो सी एनायनिक वैकेंसीज एंड एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट. यही दो रीजन हैं. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायन वैकेंसीज. एनायन की वैकेंसी हुई है. मतलब क्या हुआ है कि आपका जो ये क्रिस्टल है उसमें से एक एनायन बाहर चला गया, तो यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी हो गई. एंड इन दिस सिचुएशन आपका जो मेटल है उसकी एक्सेस हो गई. नाउ यू कैन काउंट. यहाँ पर हमारे जो टोटल नंबर एम पॉजिटिव थे वो 8 थे, ठीक है, अभी भी 8 ही हैं, लेकिन हमारे जो एक्स नेगेटिव हैं वो अब 7 रह गए हैं. न्यूट्रलिटी बनी रही, इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूट्रलिटी बन गई ओवरऑल क्रिस्टल की,
लेकिन दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. एंड दिस इज नोन एज, ये जो एनायनिक साइड जो ऑक्यूपाई की है इलेक्ट्रॉन ने, उनको एफ सेंटर्स कहते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, व्हाई द कलर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज पिंक, व्हाई द कलर ऑफ सोडियम का जो क्रिस्टल है उसका कलर येलो क्यों है. और हम सीधा सीधा सा आंसर देते हैं, जस्ट ड्यू टू एफ सेंटर्स. एफ सेंटर्स मतलब फॉबिन्स सेंटर्स. सबसे पहले इसके बारे में इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया था, तो इनको हम एफ सेंटर्स कहते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं कि ये जो क्रिस्टल है इसने पिंक कलर दिया. KCl का क्रिस्टल पिंक कलर का होता है, क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्स, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है और जो क्लोरीन है एनायनिक वैकेंसीज हो जाती हैं, जिस वजह से एफ सेंटर्स बन जाते हैं. एंड दिस एफ सेंटर्स, दीज एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल. आ गया है फॉर्बिंजर कलर सेंटर. एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड. बहुत बार रिपीटेड हुआ है पेपर में, बहुत बार इससे पार्ट पूछा गया है. एग्जाम्पल दे दिया है, सच एज़ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम क्लोराइड पिंक होता है, सोडियम क्लोराइड अगर येल्लो हो जाता है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टीशियल साइट. मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्लास में एक बच्चे का और बाहर से टीसी लेकर आ गया. पहले वाले केस में तो टीसी लेकर चला गया था, वहां यहाँ पर एक और बच्चा एक्स्ट्रा टीसी लेकर आ गया बाहर से. तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. बॉयज और गर्ल्स का रेशो सपोज किसी क्लास में सेम है, तो उस केस में बॉयज बढ़े या गर्ल्स बढ़े, लाइक दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ भी मेंटेन रहेगी. एंड दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन द क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट. और फ्रेंकल डिफेक्ट की कंडीशन क्या थी? जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने की वजह से जो हमारा क्रिस्टल है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पर वही कंडीशन मैटर करेगी. Now the process of heating is going on, it is yellow in color. Zinc oxide, जब हीट किया Zn2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकले एंड हाफ ऑक्सीजन निकली है, एंड इट इज येल्लो इन कलर जस्ट ड्यू टू वॉट? यस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं. उतने ही इलेक्ट्रॉन आकर उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना ली, एंड दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो क्रिस्टल्स विद आइदर ऑफ दीज मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंटेन सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस सच मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर्स. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम आपको दिखाएंगे, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी. यहाँ पर मेटल की कमी हो जाएगी, मेटल की डेफिशिएंसी. देखिए मेटल ने इंटरस्टीशियल साइट्स प्रॉपर अपने जो लोकेशन थी साइट थी उसको छोड़ दिया और बाहर निकल गया. अब यहाँ पर एनायन की जो नंबर है वो सेम रहा. नाउ यू कैन सी, यहाँ पर जो मेटल निकला है, कैटायन निकला है, वो सिंगल चार्ज वाला था. दो निकले हैं तो दो चार्ज कम हुआ, दो यहाँ पर एक ऐसा एटम आकर पोजीशन ले रहा है जिस पर जो चार्जेस हैं वो डबल है उसका, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर भी बनी रहेगी, यहाँ पर भी चेंज नहीं होगी. मेटल डेफिशिएंसी हुई है यहाँ पर, क्योंकि उसके टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो एटम्स जो है वो कम हो गए हैं, आयंस कम हो गए, दैट इज द रीजन. इसलिए हमने इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला है. अब मेटल डेफिशिएंसी आयरन में, ये एग्जांपल आयरन का है, यहाँ से क्या होगा, आयरन के जो Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव भी होता है ना, तो अगर यहाँ से साइट्स छूटनी शुरू हो, Fe2 पॉजिटिव निकला है और उसकी जगह Fe3 पॉजिटिव आगे रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके आयंस हैं एटम की अगर मैं बात करूँ, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव आया, Fe2 पॉजिटिव जाने से और Fe3 पॉजिटिव आने से नंबर ऑफ जो आपका मेटल के जाने की वजह से आपका जो रेशो है वो बिगड़ जाता है. अब आयरन के जो
कैटायंस निकले, आयरन के जो कैटायंस निकले जिन पर प्लस टू चार्ज था, मतलब फेरस जब बाहर गया तो फेरस का टू चार्ज बाहर गया और Fe3 पॉजिटिव अंदर आया, तो टोटल नंबर ऑफ आयरन के जो नंबर है कैटायंस का वो तो कम हो जाएगा ना. दैट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.